नमस्कार, आप देख रहे हैं किन्नी टाइम्स। तो नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। डेंगू के मच्छर का जन्म स्थान बना छतरपुर का पौश इलाका जेवीटीएस गार्डन। प्रशासन नेता गायब, घर घर आपका नेता। छतरपुर विधानसभा में सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं, लेकिन क्या वोट के समय ही नजर आएंगे? अभी सड़क पर गंदा पानी नजर नहीं आ रहा। साउथ दिल्ली के छतरपुर के पौश कॉलोनी जेवीटीएस गार्डन की मुख्य सड़क, जो कि डीएलएफ फार्म हाउस से गुजर कर जाती है, उस पर 3 से 4 फीट नाली का गंदा बदबूदार पानी ने मुख्य सड़क पर कब्जा कर लिया है, जिसमें आपकी गाड़ी जैसे ही सड़क पर पानी को टच करेगी, आपकी गाड़ी नाव की तरह पानी में तैरने लगेगी। छतरपुर की सड़क पर मच्छरों ने अपनी एक अलग कॉलोनी बसा ली है, जहां से मच्छर पैदा होकर आम जनता पर डेंगू बीमारी से आक्रमण कर रहे हैं। दिल्ली में बढ़ते डेंगू के मामले से तो परिचित है, 1537 मामले वैसे ही अभी तक दिल्ली में सामने आ चुके हैं तथा दर्जनों लोगों की मौत भी हो चुकी है। फिर भी प्रशासन और नेताओं की आंखें नहीं खुल रही हैं। एक तरफ छतरपुर के DSIDC ने करोड़ों रुपए के नाली व सड़क के टेंडर ठेकेदारों के साथ मिलकर बिल बना के करोड़ों रुपए खा चुके हैं। किन्नी टाइम्स की जेवीटीएस गार्डन में गंदे बदबूदार नाली के पानी में तैरती गाड़ियों की ग्राउंड रिपोर्ट। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए किन्नी टाइम्स के साथ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।